उसके माध्यम से परमात्मा को देख लेना
ये उनको मूर्ति को भी देख करके अनदेखा कर लेना, ये हमारे हाथ में है, है। अब ये सब क्या बता रहा है कि लिमिट आपको डिस्टर्ब कर भी सकता है, कर भी नहीं भी सकता, मतलब आपको चेंज कर भी सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता। यदि आप स्वयं चेंज होना चाहें तो प्रभावित करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक गुरु गोविंद गोष्ठी के निकले रास्ते में कई सारे दृश्य निकले जो उसके जीवन में उसको विभाव ला सकते हैं, मतलब उसको विकार ला सकते हैं, उसको बदल करा सकते हैं, पर वो जो गुरु भगवान के हाथ में कि उसमें दृश्यों को देख करके बहना या नहीं बहना, दृश्य दिखना बंद नहीं होंगे पर दृश्य को अपने कारण में कन्वर्ट करना या नहीं, ये हमारे हाथ में। तो परमात्मा महावीर या जीवाणी का एक संदेश स्पष्ट हो रहा है, एक सिद्धांत स्पष्ट हो रहा है कि क्या करो जीवन में, निमित्त को दूर नहीं कर सकते आप, दुनिया में कितनी चीजों को हटाओगे, पर एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि गलत निमित्त को निमित्त रूप में रहने दो। सिद्धांत बता रहे कि गलत निमित्त को निमित्त रूप में रहने दो, उसको कारण तो बनाओ अपने जीवन के लिए, और अच्छे निमित्त को निमित्त मत रहने दो, उसको कारण बना दो जीवन के। क्या बोला फिर से बोलो, गलत निमित्त को निमित्त रहने दो, कारण मत बनाओ अपने जीवन के परिवर्तन के लिए, और अच्छे निमित्त को सिर्फ निमित्त मत रहने दो, कारण बना लो अपने जीवन के परिवर्तन के लिए। ये समझ आने के नहीं? परमात्मा महावीर का शासन आप हम सबको मिला, किसने जिम्मेदारी निभाई शासन के प्रति, आप हम सब में से। कहते कि शासन के प्रति जिम्मेदारी कौन निभा पाता है, जो शासन में शामिल हो पाता है, और शामिल होना मतलब क्या, शासन में दीक्षित हो पाता है, जो स्वयं दीक्षा देता है परमात्मा की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है, वही मात्र एक पात्र जीव है जो इस शासन के प्रति वफादार है। आप हम सबको शासन मिला भगवान का, ये मात्र निमित्त है, निमित्त। अब इस शासन का उपयोग आपने कैसा किया, और अभी हम अपने आप को ले लेंगे, हमने कैसा किया, हमने उसको अपने परिवर्तन का कारण बना लिया और आपने उसको सिर्फ निमित्त रूप में छोड़ दिया। व्हाट्सएप मोबाइल आपको मिला, आपने उसको परिवर्तन का कारण बना लिया और हमने उसको छोड़ दिया, मतलब तीर्थंकर आपको भी मिले, तीर्थंकर हमको भी मिले। अरे उनकी देह नहीं मिली तो क्या हुआ, उनका अक्षर देह नहीं मिला, उनके शब्द मिल गए अपन को, पर उस शब्द के माध्यम से हम परिवर्तित हो गए और आप उस शब्द को शब्द मात्र रहने दिए, मतलब निमित्त का उपयोग नहीं किया, अच्छे निमित्त को कारण नहीं बनाया। तो प्रश्न उठता है कि हमारे में कैपेसिटी तो है, क्षमता तो है निमित्त का उपयोग करने की, पर उस निमित्त को लेकर कि हमको जीवन में क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से बर्ताव करना, ये सब अपना अपना समाधान अपने अपने पास है, अपने अपनी सोच सबके पास है। क्या करना, पानी ताना जाते हैं ना तो चढ़ने में ज्यादा मजा आता है कि उतरने में ज्यादा आता है, मतलब चढ़ाई में मेहनत ज्यादा लगती है कि उतरने में, चढ़ाई में मेहनत ज्यादा है ना, सिर्फ उतरना आसान है। अरे पाली ताना से उतरना आसान नहीं है, इस जीवन से उतरना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ज्ञानी कहते कई जन्म लगते हैं जब एक गुण जाकर विकसित होते हैं, और एक समय लगता है कि वो गुण आसानी से छूट जाता है। कई भवों की साधना करके एक आत्मा तीर्थंकर बनती है, मतलब कितने गुणों को डेवलप करती है, इस जीवन में लाती है, और तब जाकर वो श्रेष्ठ पद को पाती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है वो, पर आसानी से गुण को छोड़ देते हैं, क्योंकि निमित्त को किस तरीके से यूज करना ये हमने नहीं सीखा। गलत निमित्त से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, गलत निमित्त को लेकर के हम जल्दबाजी कर लेते हैं, प्रभावित हो जाओगे, और सही निमित्त को निमित्त मात्र दूर से देखते रहते हैं, उसको दूर से ही देखते हैं। इसलिए तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर मिले 2500 साल पहले हुए हैं, 2600 साल पहले, पर उनको क्या किया, बने छोड़ दिया, मतलब देख करके छोड़ दिया, झांकी उनको देखते ना ऐसे, उनको भी छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रभावकारी नहीं लग रहे, वो काम के नहीं लग रहे। एक चीज का निर्णय करना चाहिए जब उनको, आज महावीर छूट गए हैं कल फिर कोई तीर्थंकर छूटेंगे, तो कम से कम आज एक निर्णय तो करें, पर क्या निर्णय करें,
कि गलत निमित्त के पास स्वयं सामने से नहीं जाऊंगा, गलत निमित्त को ढूंढने के लिए सामने से नहीं जाऊंगा। आज्ञा और भय दिया तब की बात अगली, पर ढूंढने के लिए जाऊंगा, इच्छा से नहीं जाऊंगा। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आज हमने कई ज्ञानियों को बाईपास किया, बाईपास मतलब समझते ना, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता है? क्योंकि गलत निमित्त को जीवन में इतना बसा लिया है कि अच्छे निमित्त का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कल्पना करो दृश्य की पावापुरी में, जब परमात्मा अंतिम दिशा देंगे और लोगों को पता चल चुका होगा, जो अपने ज्ञानी मुनिराज होंगे, जो मन पर योगी मुनिराज होंगे, कि मेरे भगवान अब जाने वाले हैं। अरे जो दिन भर रात दिन 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ सुखी रहने की कला को बता रहे, आनंद का मार्ग बता रहे, वो परमात्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा उसे छूटने वाली है। कितना दुख हो रहा होगा उनको, कितना दुख हो रहा होगा, मतलब मेरे जीवन का आधार उसे छीना जा रहा है। पर हमको ये दुख ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उस निमित्त को निमित्त रूप में रहने दिया, अपने जीवन के लिए आधार नहीं बनाया। मैं भगवान महावीर को मानने वाला हूँ ये बोलना बहुत ही आसान है, पर परमात्मा की तड़प नहीं है हमको। एक बार एक शिष्य, एक व्यक्ति, एक लड़का 20-25 साल का लड़का एक संत के पास आया पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए आया? कि मेरे को भगवान कैसे मिलेंगे। संत को लगा बहुत गंभीर प्रश्न पूछा, कौतूहल भी नहीं, मतलब मजाक में नहीं पूछा, सही इसका आशय कुछ गंभीर है पूछने का। तो बोले तू मेरे साथ नदी के तट पर आना, जो नदी है अपने गांव के पास वहां पर तट पर आना, मैं तेरे प्रश्न का समाधान वहां करूंगा। तो वो गया, क्योंकि उसको प्रश्न का जवाब चाहिए था कि भगवान मिलेंगे कैसे। अपन को है कि प्रश्न भगवान मिलेंगे कैसे, प्रश्न क्या है किसी से पूछा आपने अभी तक? वो लड़का जैसे पूछ रहे, अपने किसी से पूछा क्या आज तक? नहीं पूछा। मतलब भगवान मिलेंगे ये तड़प ही नहीं है हमको, ये इच्छा ही नहीं है। उस लड़के ने पूछा, तट पर आया वो और उस बोला उसको कि नदी में तू जा सकता है क्या, नदी में तैरना आता है? उस जवाब दिया उसको नदी में धकेल दिया। किसने? उस संत ने। और जैसी टंकी का वो नीचे जा रहा है और उसको क्या किया, और उसके सिर को दबा दिया, मतलब नदी में उसको दबा दिया। अब अंदर में उसको तड़फ मच रही है, घुटन महसूस हो रही है, चीखता है तो पानी अंदर घुसता है, इतनी तड़फ महसूस हो रही है। फिर इतने में संत को लगता है कि उसको छोड़ देता हूँ, शायद मन बच जाए, छोड़ दिया। और वैसे छोड़ा, ऊपर बाहर आया, एकदम दिमाग गर्म हो गया। पर संत ने पूछा, जब मैंने तेरा सिर दबाया था नीचे, तब तेरे को क्या महसूस हो रहा था? तो बोला मात्र और मात्र ये लग रहा था कि मेरी सांस ही मिल गया मेरे को, मतलब ऑक्सीजन की ही याद आ रही थी। संत ने कहा, ऑक्सीजन के अलावा तुझे किसी चीज की याद नहीं आ रही है? तो ऐसी जब परमात्मा के अलावा मुझे कुछ चीज नहीं चाहिए, ऐसी तड़प चल जाएगी, तब तेरे को परमात्मा का अंश या परमात्मा स्वयं दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो निमित्त को हमको किस तरीके से यूज करना। गौतम को तड़प थी, गोशाला को तड़प नहीं थी, इसलिए भगवान मिलने गए थे, पर गौतम को तड़प थी, इसलिए वो अजैन व्यक्ति को भी क्या हो गया, भगवान मिल गए। अजैन व्यक्ति ने भी भगवान को देख लिया। अरे हम इतने बेकार हो चुके हैं, कई बार हम क्या बोलते हैं कि हम भगवान को देखते तो है तो हमें भाव भी नहीं आते। कितने बार मंदिर जाते पर भाव भी नहीं आते, तो परमात्मा की प्रतिमा में ताकत नहीं है ना इसका मतलब। अरे ताकत परमात्मा की प्रतिमा में नहीं, ऐसा प्रश्न मत उठाना। पर तुम्हारी आंखें इतनी विकारी हो गई है, इतनी बेईमान हो गई है, इतनी बदमाश हो गई है कि गलत निमित्तों के अधीन होकर के अच्छे निमित्तों का प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या किया, इसलिए परमात्मा का विरह काल में भी हमको दिवाली में इतना आनंद आ रहा है, लगी रहा कि मेरे भगवान का विरह हो गया, इस जगत से मेरे परमात्मा का विरह हो गया, अब मुझे सच्चे सुख का राहत दिखाएगा। अरे वो देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, धन्य है वो हवा जो समय बह रही होगी जिन्होंने परमात्मा को स्पर्श किया होगा, धन्य है वो फूल और पत्ती जो चुप चुप करके भगवान को सलामी दे रहे होंगे। कहां वो और कहां हम जिनवाणे सुनकर के भी जिनवाणे के कितने विरोधी हैं। पंचम कांड में भगवान ने मिले इसका दुख दर्द मत बनाओ। अरे पंचम कांड में भगवान की वाणी मिली, ये भी सद्भाग्य है, ये भी सौभाग्य से मिलता है, पर इसका आनंद नहीं है। तो परमात्मा महावीर को ऐसे हमने कल्प सूत्र में कई बार समझा है, पर फिर भी कुछ प्रसंग इन दिनों हम देखते हैं। और आज एक छोटा सा प्रसंग आप सबने जाना होगा, पर फिर भी देखा है सुना है उनके बारे में,
एक अद्भुत प्रसंग जो हमारे हौसले को बढ़ाएगा कि परमात्मा क्या कमाल कर सकते हैं। परमात्मा की महिमा नहीं आती ना उनको, ऐसे उन मेघ कुमार का प्रसंग हम सब अपने जीवन में देखेंगे। वो मेघ कुमार कौन थे? शेरिक महाराजा के पुत्र थे, राजसी वैभव में बड़े बड़े थे और एक तरफ परमात्मा से उनका संपर्क हुआ, परमात्मा के गुण वैभव उन्होंने देखा। अभी शामिल मत करना, गुण वैभव को देखा और क्या हुआ? शरणागति का भाव आ गया। शरणागति किसको बोलते हैं? परिभाषा बताएगा कि शरणागति क्या? हम भी शरणागति में हैं और मेघ कुमार भी शरणागति में जा रहे हैं। शरणागति में जाने मतलब क्या होता है? शरणागति मतलब सरेंडर हो जाना, सिलेंडर हो जाना कि सरेंडर हो जाना। एक आती है संस्कृत में श्लोक आता है, अन्यथा शरणम नास्ति, फिर क्या बोलते हैं? त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेव रक्ष रक्ष जिनेश्वर। उन मेघ कुमार को लग रहा है इतनी वैभव विलास में भी कि इस संसार में कोई अन्यत्र शरण देने जैसा नहीं है, और हमको भी ऐसा लगता है कि संसार में कोई अन्यत्र शरण देने जैसा नहीं है। उनको भी लगता है, हमको भी लगता है, लगता दोनों को है, पर उनको लगता है कि परमात्मा ही शरण देने जैसे है और हमको लगता है कि धन ही शरण देने जैसे है। रक्ष रक्ष जिनेश्वर और रक्ष रक्ष धनेश्वर, हम धनेश्वर मतलब धनीश्वर है ऐसे उसको बोलते हैं कि तू मेरी रक्षा कर, इसलिए हम उसकी शरण में आ गए। पर वो मेघ कुमार परमात्मा की शरण में जा रहे हैं। कौन शरण ढूंढता है? शरण की शोध कौन करता है? कौन करता है शरण की शोध? भय होता है। बहुत अच्छी बात, सही बात बोली। जिसको भय है वो शरण की शोध करता है। आपको भय है कि मेरे शरीर को कुछ मत हो जाए, मेरे परिवार को मत हो जाए कुछ, तो धन की शरण आपने स्वीकार की, क्योंकि आपको भय परिवार का है, शरीर का है। और मेघ कुमार सम्यक दृष्टि को किसका भय लगता है? अपनी आत्मा का, कि वो आत्मा पतन में ना हो जाए। तो ऐसे परमात्मा भी रहे तो क्या कर, उनकी शरण स्वीकार कर। तो एक ही शरण हो सकती है, ऋषभ दिनेश्वर प्रीतम मानो और ना चाहो लेकर, और ना चाहो लेकर। वो आनंद जी को क्या लग रहे? मैं प्रीतम किसको बनाऊ? परमात्मा को। और ना चाहो लेकर पहली स्तर में बोलते कि और कुछ नहीं चाहिए, और इसी भावना के साथ मेघ कुमार परमात्मा के पास प्रवर्जित होने के लिए जा रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। मेघ कुमार को मानव संसार दावानल के जैसा लग रहा है। अभी संसार दावानल का लगता है, कितना ठंडा ठंडा लगता है, मजा आता है संसार में, पर मेघ कुमार को ऐसा लग रहा है, लग रहा है ना, लग रहा है कभी तो जा रहे हैं, राशि वैभव को छोड़कर के जा रहे हैं। अरे पिता कितने अच्छे हैं, कितना ध्यान रखते माता पिता, उनके प्यार को ठुकरा रहे क्योंकि परम पिता का प्यार माने जा रहे हैं। हमको नहीं चाहिए ना परम पिता का प्यार, कहाँ चाहिए? परमात्मा अपना हाथ देने के लिए तैयार है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नहीं चाहते। तो परमात्मा बोलते मैं करुणा तो कर सकता हूँ, पर कृपा पानी मिली तो तुमको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। अरे करुणा तो सभी जीवों के ऊपर है परमात्मा की, पर कृपा सिर्फ उन जीवों पर है जो वास्तव में अपने आत्मा का हित करना चाहते हैं, अपने स्वयं का हित करना चाहते हैं। और इन्हीं भावों के साथ मेघ कुमार दीक्षा ले लिए। दीक्षा लेना मतलब क्या? दीक्षा लेना मतलब क्या? दीक्षा आपने ही ली है, दीक्षा मेघ कुमार भी ले रहे हैं, दीक्षा हमने भी ली है। दीक्षा लेना मतलब क्या? स्वयं को दे देना। अरे आपने भी तो दिया है स्वयं को, किसको दे दिया? भोग विलास को दे दिया। मानो भोग विलास के पास आपने बोला उछला तो बड़े भी बनते, हम आपसे आपकी आजीवन समर्पित हो गए। और ऐसे वो मेघ कुमार ने क्या बोले? दे दिया, आज से ये देह आदि मेरा जो भी है इस सब प्रभु आपके अधीन है, ये देह की जो भी चेष्टा होगी ना वो आपके अधीन हो जाएगी, मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करूंगा, सब आपके अधीन होकर के करूंगा। दीक्षा मतलब दे देना, किसको दे देना? तो स्वयं को दे देना। आपने शरीर को दिया किसी को और उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं मेरी आत्मा को क्या करें? परमात्मा बनाना है। तो जो परमात्मा है वही तो मेरी आत्मा को परमात्मा बनाएगा। धन धन बना, धन धन बढ़ाता है तो परमात्मा स्वयं तो परमात्मा है, दूसरों को भी क्या करेंगे? परमात्मा बना देंगे। और इस तरीके से क्या किए, वो आते हैं भगवान के पास। अब क्या हुआ? कथा आती है, थोड़ी सी कथा के बारे में जानते हैं। क्या कथा आती है? दीक्षा ली है जिस दिन, उसी दिन क्या हुआ है? एक परीक्षा को जीत नहीं पा रहे हैं। कौन सा परीक्षा? 22 परीक्षा पड़े ना, पर
हाँ, मन परिसर को सही है, परिसर जीत नहीं पा रहे हैं। अरे सीनियर जूनियर का सीनियरिटी और सीनियर और जूनियर का क्रम होता है साधु जीवन में। तो आज दीक्षा लेकर के अंतिम अंतिम जो संधार है वहां पर उनका नंबर लगा है सोने का। रात को मुनि भगवान आना जाना कर रहे हैं तो उनके पैरों की दस्त लग रही है। तो क्या हो रहा है, मन विक्षिप्त हो रहा है उनका, मन विक्षिप्त हो रहा है। अरे अरे मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं था ऐसा कभी मैल। अरे मैं तो मन संयम पर सोता था, ये क्या हो गया, मन संयम से विचलित हो गया था। लगा कि इतना दुष्कर ये जीवन में कैसे नहीं पाऊंगा। देखो जब मन दुविधा में आता है ना, वहां सुविधाएं मिल जाती तो भी दिक्कत रहती है, और अगर मन चंगा है तो कहते कटौती में भी क्या है, गंगा है, कम में भी चला रहता है। ऐसे उनका मन अब क्या हो गया, निर्बल हो गया। जिस उत्साह से संयम दिया था वो उत्साह थोड़ा कम हो गया, विचलित हो गया मन। क्या करूं मैं, नहीं पाल पाऊंगा ये संयम, छोड़ दूं। अनंत काल की यात्रा में संयम मिलता है कभी कभी महाभाग्य से, और ऐसे तो धनगर के पास जो बहुत ही महाभाग्य, जब जैकपॉट लगता है लॉटरी खुलती है तब जाकर के हाथ से रजत पद मिलता है, और उतना मिलने के बाद भी क्या भावना होगी चले जाऊं, ये मोहनी कर सताता है ऐसा, छोड़ता नहीं है, और वो जाने के लिए तत्पर बने। पर फिर भी कितने जबरदस्त बात में जीव है कि जाऊंगा पर कैसे जाऊंगा, परमात्मा से पूछे भी नहीं जाऊंगा, परमात्मा को बताया भी नहीं जाऊंगा। सोचो हम में और मेघ कुमार में कितना फर्क है। हम परमात्मा से शायद प्रेम तो करते होंगे, शायद है उसमें भी शायद, पर प्रेम के ऊपर तो विश्वास करते भगवान के ऊपर। भगवान ने रजो रंग दिया है और मैंने दिया है और मैं छोड़ना भी चाहता हूँ, तो मैंने परमात्मा की सोच क्या है उस समय, मैं परमात्मा की साक्ष में पाल पाऊंगा भी नहीं पाल पाऊंगा, ऐसा विश्वास परमात्मा के ऊपर है उनको बिना बताए नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करते हैं, मैं कुमार तुम दिन गए, हम जब पाप करने जाते हैं तो पूछने जाते हैं मंदिर में भगवान से, देव धर्म से, कि आज ये पाप करना चाहता हूँ कर लो क्या, या बताते जाते हैं या बता दो भगवान को, बता दो तुम्हें कर पाप। अरे उनको हम अपना आइडल मानते ना, जब भी जो सुबह सुबह चंदन पूजा करते हैं अपने बेटे को भी चंदन ही लगाते हैं, लगाते हैं चंदन बेटे को, संसार में चूना लगाते कई लोगों को पर परमात्मा को चंदन लगाते हैं, और उसके बाद भी उनके सामने गुनाह करने जा रहे हैं, बड़े बड़े पाप करने जा रहे हैं पर एक्सेप्ट करने का मन नहीं होता। वो तो सर्वदर्शी है, वो तो जानते ही है, पर खुद से बताने की भावना नहीं होती कि आज मैं ये पाप करने वाला हूँ, आज मैं आरोप लगाने वाला हूँ, आज मैं लूटने वाला हूँ, आज मैं गलत सौदा करने वाला हूँ, ऐसी भावना ही नहीं होती। ऐसी भावना पूर्व में भाई होती ना तो आज ये भावना फलीभूत होती कि पाप करने से मैं मन दबाई देता कि भगवान को बताऊँ। सोचो मेघ कुमार के जीवन में ब्रेक वापस लग रहा है कि मैं भगवान को बताया बिना नहीं जाऊंगा, कल सुबह बताऊंगा, और ऐसा करके सुबह का दिन आ गया, भगवान के पास आ रहे हैं, नतमस्तक है, मन बुझाया हुआ है, तन बुझाया हुआ है, भगवान समझ गए, और 36,000 साधु साधिया और 14,000 साधु खड़े हैं, और भगवान उनको क्या कर रहे हैं, अब उनको उपदेश दे रहे हैं, उपदेश मानो भगवान क्या बोले, धम्म सारिणम, ये अपना एक दायित्व नहीं माने जा रहे, वो दायित्व हमारे लिए भी नहीं मानते भगवान, पर हम उन दायित्वों में हम उनका ये दायित्व देना नहीं चाहते, हम तो खुद के सार्थवा हैं, हम तो कई लोग के सार्थवा बनते हैं, तो भगवान मेरे सार्थवा क्या बनेंगे, ऐसा हम अकड़ दिखाते हैं उनके सामने। और परमात्मा बोलते हैं कि मैं चार दृष्टियों की, एक होती राग की दृष्टि, एक होती द्वेष की दृष्टि, और एक होती प्रेम की दृष्टि, और एक होती करुणा की दृष्टि, परमात्मा को करुणा आ रही है। अरे मेघ तू मुझे छोड़ना चाहता है, मुझे छोड़ना चाहता है, मुझे मतलब इसको मुझ जैसी पवित्र आत्मा को छोड़ना चाहता है, ऐसे बोल नहीं रहे भगवान, मानो बतला रहे, अरे इस संसार में सारे अपवित्र लोग हैं पर तू मुझ जैसे को छोड़ना चाह रहा है, मेरे हाथ को छोड़ना चाहता है, हमने तो पकड़ा ही नहीं है, तो हम छोड़ने की बात कहाँ करेंगे भगवान, भगवान तो मुझे पकड़ो पकड़ो, हम तो छोटे ही हुए हैं, पर वो मेघ को बोल रहे कि तू मुझे छोड़ना चाहता है, मेरे से विवाह किया था एक दिन पहले, वो मेरे से यह तलाक लेना चाहता है, याद कर। और इतनी सी बात में विचलित हो गया, किस बात पर, कि मुनियों की धुन सता रही है, मुनियों का रथ सता रहा है, अरे पूर्व भाव को याद कर, पूर्व भाव को कैसे याद कर, कि तुमने क्या किया था, क्या पराक्रम किया था, क्या पात्रता तैयार की थी, जंगल में रहता था तू, हाथी का भाव था, भगवान भी नहीं मिले थे, पर एक आत्मा का गुण डेवलप था, कौन सा गुण, हेल्प करने का,
साहेब बनने का, किसी की पीड़ा को सहन नहीं कर पाना, ऐसा गुण था तेरे में, तो दूसरों के बारे में सोचता था। जंगल में आग लगी थी एक बार और कई प्राणी मर गए थे, तो तुझे लगा कि अगली बार आग लगेगी तो क्या करूं, पहले ही कुछ ऐसा इंतजाम कर लूं कि हम सब सुरक्षित हो जाए। तो मंडल बनाया था, मंडल कौन सा मंडल, एक मंडल बनाया था जिसमें सब जीव आ सके, कभी ऐसी दुर्घटना हो जंगल में तो सब आ सके। और उस मंडल में एंट्री लेने के लिए कितनी फीस ली थी उन्होंने, उस हाथी ने कितनी एंट्री फीस रखी थी, कुछ भी नहीं, नहीं रखी थी कोई फीस रखी थी। मतलब कैसी सेवा, प्रशस्त सेवा का भाव, कि बिना मुझे कुछ दिए सिर्फ देना है, देना है, ऐसे भाव से उन हाथी ने क्या की सेवा की उन पशुओं की। और जब आग लगी कई पशु उसमें आ गए और क्या किया, पशु तो बच गए और ऐसे 48 घंटे तक आग चलती रही, 30-35-48 घंटे तक। और फिर उस हाथी को कभी खुजलाने के भाव आ गए, पैर नीचे रख उठाने के भाव आया, उठा तो लिया, कुत्ते भी किसी खरगोश को अपने जीवन बचाने के भाव आया तो वो अंदर आ गया, पर वापस रखने की इच्छा हो रही है, पर देखा कि कोई खरगोश है, कोई प्राणी है, तो भाव बदल गए। उन हाथी को जीव देने के भाव आ गए। क्या सीख लेना उस हाथी से, क्या सीख लेना, अपनी आत्मा के प्रति वो जागरूक हो रही होगी वो आत्मा, तभी तो जीव को प्रति भाव आ रहे हैं उसको कि उसको बचा लो। मतलब कहीं ना कहीं हम मोक्ष मार्ग की करीब आने वाली है, तभी ऐसे भाव जागृत हो रहे हैं, तभी ऐसे भाव जागृत हो रहे हैं। अरे वो तो खरगोश को बचा लिया अपने प्राण दे करके भी, पर हम वर्तमान जीवन में जीव दया करते हैं क्या। एक प्रसंग देखा था, कार घर में खड़ी सामने, कार को अब निकाल रहे हैं, नीचे कोई कुत्ता बैठा हुआ था, कुत्ता चपेट में आ गया, तो क्या हम ये नियम ले सकते हैं क्या कि जब भी मैं घर में व्हीकल को बाहर निकालूंगा, अपनी गाड़ी को बाहर निकालूंगा, 10 सेकंड में नीचे चेक जरूर करूंगा कि कोई जीव तो नहीं है। किसी प्राणी को पिंजरे में कैद करते हैं तो उसको तुरंत छोड़ते ही नहीं, आजाद करते ही नहीं, ऐसी भावना आती है। उस मेघ कुमार को भगवान का संगम मिला है, पर मिला कैसे, क्योंकि आत्मा प्रिय लगने लगी तो ऐसी आत्मा को सर्वश्रेष्ठ आत्मा का संगम मिल गया। परमात्मा बता रहे ऐसी लायकात तेरे में थी, जब तू डरा नहीं, जब तू निर्भय होकर आगे बढ़ा, और अब कहां तू डर रहा है, कहां इस संयम जीवन की स्वामी, रातों में तू डर गया, समझ जा है जा, मानो परमात्मा क्या कर रहे हैं हमको स्थिर कर रहे हैं, स्थिरीकरण करने का काम कर रहे हैं। अरे स्थिर होना चाहेगा उसमें परमात्मा स्थिर कर सकते, हम स्थिर होना चाहते क्या, हम स्थिर होना चाहते ही नहीं है, तो भगवान हमको स्थिर कैसे करेंगे। भगवान अपना स्वरूप बता सकते हैं, पर उस स्वरूप के माध्यम से स्थिर स्वयं को होना है। और क्या हुआ, वो मेघ कुमार के भाव में परिवर्तन आना चालू हुआ। अब क्या परिवर्तन आता है वो देखेंगे, पर पहले उनके जीवन का एक दृश्य इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। Oh,
के जीवन को देख करके सबसे पहले सीख हमको क्या लेना कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले जीवन में हमको परमात्मा का सहयोग मिले तो क्या करना, सेवक बनना। पहले एक सच्चा सेवक ही आगे जाकर के परम सेवक से मिल पाएगा। परम सेवक कैसे है परमात्मा, कोई बता सकते हैं कि परम सेवक कैसे है? ये अरिहंत परमात्मा परम सेवक की भावना उनके लिए कैसे है? कहते हैं परोपकार के व्यस्ती होते हैं। इस बाढ़ के नगरी में कोई अमीर आएगा, कोई व्यक्ति आया जो पहले नॉर्मल था, एक आम इंसान था, और पिछले 10 सालों में वो अमीर बन गया, और आप उसके पास पूछने जाते हो कि तुम अपनी अमीरी का रहस्य बताओ, वो बताएगा क्या? आसानी से बताएगा क्या? नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं अपना फर्ज किसी और को दे दूँ। मैं अमीर हूँ तो मैं अमीर बने रहूँ। पर हमारे परमात्मा कैसे होते हैं? परम सेवक है। इस विश्व में सभी जीवों के लिए सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा? कि मैं सुखी बनाऊं, मैं परमात्मा बनाऊं, तो मैं औरों को भी क्या बना दूं? वो जैसा बना दूं। जो उनसे वो विधि लेने जाता है उस विधि को वो आसानी से देते हैं बिना उसमें कुछ चेंज किए। चेंज करके दिया क्या कुछ? जिस विधि से वो भगवान बने उस रहस्य को आसानी से और बिना स्वार्थ के खोल दिया। तो ऐसे परम सेवक का सहयोग कब मिलेगा? जब सेवा की भावना होगी। पहला बियर, जब भी बियर शब्द यूज करें, पहला बियर क्या था मोहित कुमार के जीवन में कि वो हेल्पिंग नेचर के थे, मतलब हेल्प का बियर लगा रहे थे। और उस बियर के कारण क्या हुआ? इस जीवन में आते हाथी का पग छूटा और कहाँ आ गए? तो कहते तीर्थंकर बनने वाली आत्मा के कुल में आ गए, श्रेणी महाराजा के कुल में आ गए। परमात्मा बोल रहे तू थोड़ा तो अपने आप को जनरेट कर कि तेरे पिता कितने गौरवशाली के तीर्थंकर बनने वाले हैं, और जो तेरे गुरु हैं मतलब मैं हूँ उस स्वयं तीर्थंकर हूँ, और तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उनका मन चेंज हो गया, याद आ गया, जाते स्मरण ज्ञान हो गया। परमात्मा ने इस तरीके से बोला कि बुद्धि खुल गई। अभी हमको कोई बोलता है तो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और परमात्मा ने बोला तो बुद्धि खुल गई, मतलब भक्ति ज्ञान और बल करने लगा, काम करने लगा, और क्या हो गया? साक्षात दे दिया कि मैं गलत हूँ। अब क्या करें? अब दूसरा गियर लगा लें। पहला हेल्पिंग गियर लगाया था भगवान ने, अब दूसरा गियर मान भगवान लगा लें रिवर्स गियर। अब उन कुमार रिवर्स हो रहे, बैक हो रहे, आई एम बैक, मैं वापस आता हूँ। हम वापस आते हैं क्या? एक बार माता पिता को छोड़ते हैं, पत्नी के साथ निकलते हैं अलग घर में, पर उसके बाद क्या सोचते हैं? अलग ही रहना दिया, उस झंझट में नहीं जाना वापस, वापस लौटूंगा नहीं, अब यही अपनी व्यवस्था जमाऊंगा। अरे जो लौटेगा नहीं वैसे वो तीर्थंकर को छोड़ के जाएगा, संस्कार ऐसे बनेंगे। वो बोले वापस आए, मैं वापस आ रहा हूँ। सिर्फ मन से संयम को छोड़ा था, अभी वेश को पहना हुआ हूँ तो क्या करूँ? मन से वापस ठीक हो जाऊँ और इस संयम जीवन को वापस क्या करूँ? अच्छे से निभाऊँ। तो पहला हेल्पिंग गियर लगाया, दूसरा रिवर्स गियर लगा दिया भगवान ने, और तीसरा गियर क्या लगा मेघ कुमार के जीवन में परमात्मा के सानिध्य में? मानो परमात्मा ने तीसरा गियर लगाया, प्रेम का गियर। प्रेम मतलब क्या होता? साहस। साहस तो कूट कूट कर माने हमने, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, तो हम सब हैं। पर वो कैसे ब्रेक थे? तो वो अपने चारित्र में ब्रेक थे, अपने आत्म कल्याण में ब्रेक हो गए। मानो लक्ष्य बना लिया कि जब तक परमात्मा नहीं बनूंगा तब तक परमात्मा का साथ नहीं छोड़ूंगा। और क्या अभिग्रह लिया? एक अभिग्रह लिया। इतने सारे साधु साधवी जी भगवान खड़े और एक महान अभिग्रह लिया। क्या अभिग्रह लिया? क्या प्रण लिया? बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, अनंत काल की यात्रा में ऐसे देवादी देव मिले मेरे को और मैं उनको छोड़ने जा रहा था। हम बोलते अपने माँ बाप को छोड़ना मतलब पाप है, पर वो तो माता की भी माता है, परम माता का सौभाग्य मिला है मुझे और कुछ समय के लिए मिला है, ये छूटने वाला है क्योंकि ये तो मुक्ति को पाने वाले है और मैं तो संसार भी रहने वाला हूँ। तो ऐसे परमात्मा को छोड़ रहा था और अब बुद्धि जागी तो क्या करूँ? प्रण कर लूँ। जिस रस से चिड़ गया था, जिस साधुओं की रस से चिड़ गया था उनको छोड़ने जा रहा था, साधु जीवन को भी छोड़ा था, भगवान को भी छोड़ा था, अब क्या करूं? अब ऐसा प्रण ले लूं कि आगे जाकर किसी को संभावना ही ना मिले। क्या प्रण लिया? किसी इन आपों को छोड़ करके पूरे जीवन भर जब तक संयम का पालन करूंगा तब तक इस शरीर की शोभा प्रदूषा नहीं करूंगा, मतलब शरीर की देखभाल नहीं करूंगा, रोग आएगा तो इलाज नहीं करूंगा, इस शरीर की कोई भी केयरिंग नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा परमात्मा के समक्ष लिया। तो परमात्मा कैसे सिर्फ साधुआ ही नहीं है, स्थिर भी नहीं किया बल्कि उनको चारित्रवान बना दिया। मानो मिथ्यात्म में जा रही थी आत्मा और अब साधु पद दे दिया। दीक्षा एक दिन पहले हुई पर वास्तविक दीक्षा तो क्या हुई? आज हो गई।
सच्चे रूप में दीक्षा आज हो गई। अब वो मानव परमात्मा के हो गए, अब परमात्मा को विश्वास हो गया कि मेरे जैसा बन जाएगा तो परमात्मा को खुशी होगी ना। अपना भाई अपने जैसा बन जाएगा भी अमीरी में तो मन को दुख होगा कि खुशी होगी। अगर दुख हो रहा है तो हम परमात्मा के लिए लायक नहीं है। सोचो परमात्मा को ईर्ष्या नहीं आ रही है कि इसको मैं सुखी बना रहा हूँ, सुखी होने को मार दे दिया, अरे जाए तो जाए, ऐसा नहीं सोचा। तो ऐसे तीन गियर, हेल्पिंग गियर, फिर रिवर्स गियर और ब्रेक गियर, अपन भी रिवर्स गियर लगाते हैं पर उल्टे ही रिवर्स गियर लगाते हैं और दूर हो जाते हैं व्यक्ति हमसे। पर परमात्मा ने इस तरीके से उनको ट्रीट किया कि परमात्मा के मार्ग वापस बुना गए और स्थिर होकर के आगे जीवन का निर्माण किया। तो इसने क्या करना, परमात्मा हमारे से पास जा रहे हैं निर्माण को प्राप्त करने वाले हैं तो हम भी रिवर्स गियर लगा दें, परमात्मा के निर्माण के पहले हम मानव के हो जाए, तब जाकर के हम परमात्मा के हमेशा हमेशा के लिए बन पाएंगे आगे। और ऐसा आज का पहला दिन का संदेश कि हमको जहां तक कि हमने सीमा को लांघ गए इस जीवन में तो वापस पुनः पुनः क्या करें, जल्द से जल्द परमात्मा के पास आ जाए और अपने आत्मा को आगे बढ़ाए, जीना के जो भी कुछ कहा बस हम अपने।